व्यापारियों द्वारा जीएसटी को लेकर उठ रहे सवाल पर वित्त मंत्री ने दिया जवाब। कहा, जब उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं तो व्यापारी इतने क्यों परेशान। वित्त मंत्री ने कहा, व्यापारियों को टैक्स नहीं भरना पड़ता, उपभोक्ता देता है टैक्स। जीएसटी को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज। राज्य की महबूबा सरकार से चर्चा करने के लिए जम्मू पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव राम माधव और जम्मू कश्मीर प्रभारी अविनाश राय खन्ना। 4 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का विशेष सत्र। राज्य में जीएसटी लागू न होने का दिखने लगा असर। बाहरी राज्यों के व्यापारियों ने किया सामान देने से इनकार। वेयरहाउस ट्रेडर फेडरेशन ने कहा, उनके पास स्टॉक बेहद कम। भारत में कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान से एक बार फिर की राजनयिक मदद मुहैया कराने की मांग। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय लोगों की सूची देकर कुलभूषण जाधव समेत भारतीय कैदियों को जल्द राजनयिक मदद देने की मांग। आईसीजी ने भी दिए थे जल्द राजनयिक मदद देने के आदेश। मॉनसून आने के कारण देश के कई राज्यों में भारी बारिश। लगातार होती बारिश से देश के कई हिस्सों में ट्रेन की आवाजाही बाधित। जम्मू कश्मीर में भी बारिश से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अमरनाथ की वार्षिक यात्रा पर शिव भक्तों का 5वां जत्था घाटी रवाना। 5वें जत्थे में 2500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने घाटी की ओर किया प्रस्थान। पवित्र शिवलिंग के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। पर्यटन विभाग की ओर से अमरनाथ यात्रियों के मनोरंजन के लिए भगवती नगर स्थित आधार शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से यात्रियों का किया मनोरंजन। जम्मू के चंद नगर में रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर लोगों ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। अतिक्रमण के कारण 12 फुट का रास्ता बना 4 फुट। स्थानीय लोगों ने जम्मू नगर निगम पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 15 दिवसीय समर कोचिंग कैंप हुआ खत्म। कैंप के समापन समारोह में ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। आशुतोष शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। बिजली कटौती को लेकर परेशान कोटली मियां फतेह के लोग। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। झुलमुल रवैये को लेकर सरकार पर भी लगाया आरोप।